हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कविता डायरीज। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ अगेन एक प्रोडक्ट का रिव्यू। और सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और ये प्रोडक्ट मैं ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियो में शो कर चुकी हूँ। मैं आई बटन पे उसका लिंक शेयर कर दूंगी और आप जाके वहां पे देख सकते हैं वीडियो को। जिस प्रोडक्ट के बारे में आज मैं बात कर रही हूँ, इट्स अ शैम्पू। और दिस इज अ शैम्पू, इट्स बर्ड्स एंड बेरीज शैम्पू एंड इट्स यू नो जिंजर वेटिवार एंड इट हेल्प्स फाइटिंग अगेंस्ट डैंड्रफ। और इट्स अ नो सल्फेट्स, नो पैराबेन, नो सिलिकॉन बेस्ड शैम्पू। इट रिटेल्स फॉर 500, बट अमेजन पे यू विल गेट डिस्काउंट एंड द क्वान्टिटी इज 300 ml। एंड एज इट क्लेम्स की यू नो इट हेल्प्स अगेन फाइटिंग डैंड्रफ, आपके हेयर को स्ट्रेंथन करता है, रिड्यूस करता है हेयर ब्रेकेज को, यू नो आपके हेयर को मैनेजेबल करता है एंड 1 to 2 hours तक आपके हेयर को कंडीशन रखता है। साथ में यहाँ पे मेंशन है कि इट्स नो सल्फेट, नो पैराबेन, नो सिलिकॉन, नो फैथलेट एंड नो ग्लूटेन। एनरिच्ड विद द पावर ऑफ जिंजर एंड वेटिवर एंड यू नो इट माइल्डली क्लींस योर स्कैल्प, रिमूव द सीबम फ्रॉम द स्कैल्प टू यील्ड स्ट्रॉन्गर एंड इट कंडीशन योर हेयर। सो दिस शैम्पू इज ओके एंड मैं इसको इतना यूज कर चुकी हूँ एज यू कैन सी। और इस शैम्पू के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि यू नो जब भी मैं शैम्पू को यूज करती हूँ तो मैं अपने हेयर पे कंडीशनर अप्लाई नहीं करती हूँ। इट कंडीशन माई हेयर एज इट क्लेम्स। और साथ में अगर आपको माइल्ड डैंड्रफ का इश्यू है तो आप ये शैम्पू के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा डैंड्रफ का प्रॉब्लम है तो आपको यूज करना है सेल्सन, क्योंकि वो आपके डैंड्रफ को कम्प्लीटली रिमूव कर देता है। और एंड जैसे कि मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है कि जब भी विंटर्स होती हैं सो मैं अपने हेयर केयर में सेल्सन को जरूर इंक्लूड करते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद यू नो 3 to 4 months के बाद यू नो आपको अपने शैम्पू नॉर्मल जनरली चेंज करने चाहिए। एंड आफ्टर यूजिंग 3 4 month मुझे भी यू नो शैम्पू चेंज करना पसंद है। सो आई डिसाइड टू यूज बर्ड्स एंड बेरीज का शैम्पू। सो मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू करूंगी, क्योंकि मुझे लगा कि एक बेसिक सा शैम्पू है जैसे शैम्पू होते हैं। और रिव्यू हम तभी करते हैं ना जब कोई प्रोडक्ट स्पेशल होता है या फिर जिसकी बहुत ज्यादा हाइप होती है। सो नाउ कम टू द पॉइंट, द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि अगर आपने इस शैम्पू को अपने ऑयल्ड हेयर पे अप्लाई किया तो ये शैम्पू आपके हेयर से ऑयल को रिमूव नहीं कर पाता है। सो जब मैंने इस शैम्पू को फर्स्ट टाइम यूज किया तब मेरे हेयर पे ऑयल नहीं था, तो इसने मेरे हेयर को बहुत अच्छे से क्लीन किया। बट द सेकेंड टाइम जब मैंने ऑयल अपने हेयर पे यूज किया था तो उसके बाद मैंने शैम्पू को यूज किया, सो ये मेरे हेयर से ना ऑयल को रिमूव नहीं कर पाया। आफ्टर वॉशिंग माई हेयर, आफ्टर ड्राइंग माई हेयर, आई फाउंड दैट कि मेरे जो हेयर है वो बहुत ज्यादा स्टिकी थे और विच इज सो बैड। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको ऑयल के साथ यूज किया तो मेरा जो रिजल्ट था वो बहुत बेकार था। सो मुझे लगा कि मे बी मैंने शैम्पू कम यूज किया है। लेकिन उसके बाद जब मैंने सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, जब जब मैंने इसको ऑयलिंग वाले हेयर पे यूज किया है तब तक मेरे हेयर से ये ऑयल नहीं रिमूव कर पाया। सो दिस इज द बिगेस्ट फ्लॉज ऑफ दिस शैम्पू, क्योंकि आपको हमेशा शैम्पू जब भी अपने हेयर पे करना चाहिए तो ऑयलिंग के साथ करना चाहिए। आपको बिना ऑयलिंग के शैम्पू यूज नहीं करना चाहिए। बिना ऑयलिंग के शैम्पू यूज करते हैं तो आपके हेयर ब्रेकेज ज्यादा होता है। तो सभी यही सजेस्ट करते हैं और करना भी यही चाहिए कि आपको हमेशा अपने हेयर को ऑयल करना चाहिए, उसके बाद ही शैम्पू करना चाहिए। बट अगर आप अपने हेयर को ऑयल करते हैं और इस शैम्पू को यूज करते हैं तो ये शैम्पू आपके हेयर से ऑयल को रिमूव नहीं कर पाएगा। आपको ना नेक्स्ट वॉश इसे देना पड़ेगा विदाउट ऑयलिंग योर हेयर। तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम मैं वापस से हेयर ऑयलिंग नहीं करती थी। मैं उन्हीं स्टिकी हेयर को इस शैम्पू से वॉश करती थी। उसके बाद मेरे जो हेयर होते हैं यू कैन सी ये कंप्लीटली क्लीन एंड क्लीन मिलेंगे, और अदरवाइज आपके हेयर जो है वो स्टिकी रहेंगे। सो आज भी मैंने इस शैम्पू को यूज किया है, और लास्ट टाइम मैंने जब इसे यूज किया था तो मैंने ऑयल किया था अपने हेयर पे तो मेरे जो हेयर थे वो स्टिकी थे। फिर नेक्स्ट वॉश मैंने जो किया है वो है आज, वो बिना ऑयलिंग के वही स्टिकी हेयर पे मैंने शैम्पू को यूज किया। उसके बाद आज मेरे हेयर जो है वो कम्प्लीटली क्लीन हुआ है, मेरे स्कैल्प अच्छे से क्लीन हुआ है, मेरे जो हेयर स्ट्रैंड्स हैं वो अच्छे से क्लीन हुए हैं। अब इनमें कोई स्टिकीनेस नहीं है एज यू कैन सी। बट अगर आप इस पे ऑयल यूज कर लेते हैं तो ये शैम्पू आपके हेयर से ऑयल को रिमूव नहीं कर पाता है। मुझे लगा शायद मेरे साथ ही ऐसा हो रहा हो। सो आई गिव इट टू माई सिस्टर एंड
उसको बोला कि यूज करे अपने ऑयल हेयर पे, सो द रिजल्ट वॉज सेम। उसके हेयर से भी ये शैम्पू ऑयल को रिमूव नहीं कर पाया था। तो गाइस लास्ट में भी यही कहूंगी कि अगर आप कोई शैम्पू यूज करना चाह रहे हैं, अगर स्पेशली अगर आप सैलसन के अलावा किसी अनदर शैम्पू पे स्विच करना चाह रहे हैं, तो आप इसको यूज ना करें, क्योंकि ये बिना ऑयल वाले हेयर को ही क्लीन करता है। और अगर आपके हेयर पे ऑयलिंग की हुई है आपने, तो ये आपके ऑयल को रिमूव नहीं कर पाएगा। इट हैज नाइस फ्रेग्रेंस, नाइट ऐसा लगता है कि परफ्यूम वाली स्मेल है, बहुत ही माइल्ड और अच्छी सी स्मेल है इसकी। और आपके हेयर से बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है जब भी आप ये शैम्पू यूज करते हैं। सो दिस इज माई ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट दिस शैम्पू। तो अगर आप कोई अच्छा शैम्पू देखना चाह रहे हैं सैलसन के अलावा, तो ये शैम्पू बिल्कुल भी मत खरीदिए, क्योंकि हमेशा जो शैम्पू होता है उसे ऑयलिंग के साथ करना चाहिए, और ये शैम्पू ऑयलिंग के साथ जीरो रिजल्ट देता है आपको। सो या इट्स ऑल अबाउट दिस शैम्पू एंड इट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, रिव्यू पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो और रिव्यू हेल्पफुल लगा, तो आपको करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। और अगर आप भी ये शैम्पू यूज कर रहे हैं, तो आपको करना है अपने एक्सपीरियंस को कमेंट बॉक्स में शेयर। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।